तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का आपका अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो कक्षा 11 का अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आएगा ना, वो बिल्कुल कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। देखिएगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का ये अंग्रेजी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सोल्यूशन बताऊँगा, जिसमें टोटल प्यारे विद्यार्थियों आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटली प्यारे विद्यार्थियों ये आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11 के आपके वार्षिक परीक्षा के अंग्रेजी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से देख लें। तो देखिएगा ऐसा आपका पेपर होगा और इसमें प्रश्न नंबर 1 लिखा है, जिसमें कि आपका एक अनसीन पैसेज दिया गया है। देखिएगा ये इस प्रकार का अनसीन पैसेज होगा, एकेडमिक हेज ऑलवेज, तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लें। अब चलो मैं जल्दी से इसके आंसर आपको बता देता हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एकेडमिक्स, ये इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज कॉन्सिडरेड ए हॉक्स। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपका पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखिएगा सेकंड नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैज हिंड्रेड स्टूडेंट डेवलपमेंट। देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपका दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, लिमिटिंग एजुकेशन टू बाउंड्रीज ऑफ द एकेडमिक, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, द शिफ्ट इन एजुकेशन सिस्टम मीन्स। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का, यहाँ से देख लें, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं पाँचवें नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉक्स। तो देखो पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, अनट्रू, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में छठे नंबर के क्वेश्चन को देखें, विच एक्टिविटी हैव बिकम ए पॉइंट ऑफ फोकस टूडे। देखो छठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर का, को करिकुलम एक्टिविटी। उसके बाद में सातवें क्वेश्चन को देखते हैं, वाई मस्ट स्टूडेंट स्टेप आउट इन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। देखो सातवें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर का, फॉर एसेंटिक डेवलपमेंट, ये इसका राइट आंसर होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में ये वाला क्वेश्चन आठवां, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा सेंचुरी। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, नौ नंबर का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा कॉमन, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका कॉमन, यहाँ से आपको लिख लेना है। उसके बाद में देखिएगा दसवें नंबर का क्वेश्चन, देखिएगा दसवें का राइट आंसर आपका सी आ जाएगा, ये वाला द फाउंडेशन। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको नोट कर लें अच्छे प्रकार से। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर दो में आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी। वैसे तो नोट मेकिंग आपको बनानी आती होगी, और अगर नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देख लें, वहाँ से आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना बहुत अच्छी प्रकार से सीख जाओगे। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम आंसर शीट के ऊपर इन सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ से इन प्रश्नों को देख लो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर चार को आप लोग देख लो और पाँच को देख लो, और उसके बाद के इन क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अब चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इनका सोल्यूशन मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग समय रहते इसको अच्छे से याद कर सकें। तो देखिएगा पहले में आपका सट आ जाएगा, इसमें आपको सट लिखना है। सेकंड में आपका फ्लू आ जाएगा, ये वाला। उसके बाद में देखिएगा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपका सिंस आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन आपका लिखा गया है, इसमें आपका आ जाएगा टिल, तो यहाँ पे आप लोग टिल लिख लें। उसके बाद में देखो फाइव नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपका ए आ जाएगा। उसमें उसके बाद में छठे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसका राइट आंसर आपका ओप आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे डू ए डायरेक्टेड पूछे गए हैं, इनका भी हम आगे सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको इस प्रकार का ये आपको एक पैसेज दिया गया है, तो आप सब लोग यहाँ से इस पैसेज को पढ़ लें अच्छे से और इसके आंसर्स को आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपको पैसेज दिया गया है, अब चलेगा जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर को देखते हैं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे प्रकार से हल करके आ सके। तो देखिएगा यहाँ पर ये लिखा है इन हिज डिपेंस। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, हूँ रिमूव द मम्मी ऑफ हेड। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आएगा, यहाँ से लिख लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर ये लिखा, यहीं पर देख सकते हो आप लोग,
चार्टर्स मैन रिमूव द ममी ऑफ हेड। तो ये देखो, ये इसका राइट आंसर आप लोग लिख देना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, हूँ वेयर फेबलर वेल्थ इन द ट्रुथ टाइम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन आपका दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर का आ जाएगा, द रॉयल। उसके बाद में थर्ड को देखें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड करिकुलम इन द एक्सटेट। तो देखिए तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर का आ जाएगा, ये वाला, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थी, चौथे नंबर के क्वेश्चन को अगर हम देखें तो चौथे का राइट आंसर आपका क्या आएगा, लेविज्ड। तो चौथे का राइट आंसर यहाँ से आप लोग लिख लें, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेविज्ड, ऐसे लिख लें आप लोग। उसके बाद में देखो पांचों क्वेश्चन, राइट द एंटोनिम्स ऑफ द कॉन्सील्ड। तो देखिएगा कॉन्सील्ड का एंटोनिम्स क्या आ जाएगा, इसका एंटोनिम्स आपका हो जाएगा रिवील्ड। तो यहाँ से आप लोग लिख लें, इसका कंसील्ड का क्या होगा, रिवील्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पोएम आपको दी गई है, तो आप सब लोग इस पोएम को भी पढ़ लें और इसके आंसर्स को भी देख लेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया, व्हाट डज द गोल्डफिंच बर्ड कम टुवर्ड द ट्री। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पहले नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें अच्छी प्रकार से। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपको दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लें। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, फॉर फीडिंग हर यंग वन, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग पढ़ लेंगे। तो देखिएगा सेकंड नंबर के क्वेश्चन को देखें, व्हेन द बर्ड फ्लाइज अवे द ट्री बिकम। तो देखो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसमें आपको लिख रहे हैं ना लाइफलेस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, लाइफलेस, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्क्राइब इन द इंजन इन द एबव लाइंस। तो देखिएगा तीसरे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा गोल्ड फिंच, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो ये आपका बी नंबर का है इसी का, तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें। एक और आपका पैसेज यहाँ पर आपको दिया जाएगा, तो आप लोग इसको भी पढ़ लें अच्छी प्रकार से, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इसको वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में अच्छे से हल करके आ सके। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है ही लेट। तो देखिएगा इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है, यहाँ से पढ़ लें आप लोग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डॉक्टर न्यूली आउट ऑफ द मेडिकल कॉलेज। देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एंड्रयू मेंसन उसका नाम था, क्या नाम था, एंड्रयू मेंसन। तो देखो यहाँ से आप लोग लिख लें एंड्रयू और उसके बाद में मेंसन, मेंसन इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हूँ इज सुसान, सुसान कौन था। तो देखिएगा मॉर्गन्स वाइफ थी ये, तो कहाँ राइट आंसर होगा इसका, ये वाला, ठीक है ना, सी नंबर का इसका राइट आंसर होगा, ये मॉर्गन की वाइफ थी। क्रिस्टियन वांटेड टू अवॉइड। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, वांटेड टू अवॉइड। तो देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्लोरो और उसके बाद में फॉर्म, इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्लोरोफॉर्म लिखना है, ठीक है ना। ऐसे उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वर्ड इन द एब्स्ट्रैक्ट इज सिनोनिम्स ऑफ द चेस या फॉलो। तो देखो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा परस्यूड। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, यहाँ से लिख लें आप सब लोग पर और उसके बाद में आपको लिख देना स्यूड, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग लिख लें इसको। उसके बाद के क्वेश्चन आपके पेपर में इस प्रकार के पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको देख लें, फिर मैं आपको इन सभी का एक ही साथ में सॉल्यूशन पूरा बता देता हूँ। तो देखो इतने क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे, तो यहाँ तक कि आप सब लोग इनको देख लें। अब चलो मैं आपको इन सभी का सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, एक बार शुरुआत से ही आप सब लोग अपने पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लो, इस प्रकार से आप सब लोग अपने पेपर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी प्रकार से देख लो, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे से हल करके आ सके। या ये आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर लिखा है, और सेक्शन बी में जो आपका प्रश्न नंबर 3 दिया गया था उसका उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो इसके अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 4 का उत्तर ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को भी देख लें, और 4 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसको भी आप लोग याद कर लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये आपके प्रश्न नंबर 5 का उत्तर हो जाएगा पूरा। और उसके बाद में देखो ये 5 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया है, इसको भी आप लोग नोट कर लो पूरा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लो, ये आपके प्रश्न नंबर 6 का पूरा उत्तर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देख लो, ये प्रश्न नंबर 7 का पूरा आपको दिया गया है, तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को देख लीजिएगा पूरा। और उसके बाद में देखिएगा सेक्शन डी ये लिखा है, इसमें आपको प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, 8 का पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, दूसरे का ये लिखा है, और उसके बाद में देखिएगा तीसरे का उत्तर ये लिखा, चौथे का ये लिखा, पाँचवें का लिखा है, इस प्रकार से आप लोग नोट कर लो इसको पूरा।
उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 9 का ए वाला भाग का उत्तर ये लिखे हैं, तो सभी के सभी उत्तर यहाँ से आप लोग देख लो इसको अच्छे से, और बी वाले के भाग के उत्तर ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 10 के पहले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें, प्रश्न नंबर 10 का पहला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में 10 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और उसके बाद में देखिएगा 10 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, तो यहाँ से आप सब लोग 10 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। और उसके बाद में देखो 10 के चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद में देखो 10 के पाँचवें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, छठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लोगे, प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये आपके प्रश्न नंबर 11 का उत्तर लिखा पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखिएगा 11 के दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लो, और तीसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। और प्रश्न नंबर इसके उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, प्रश्न नंबर 12 जो लिखा गया ना, 12 के पहले वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और 12 के ही दूसरे नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। इस प्रकार से आप सब लोग इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 13 जो दिया गया ना, 13 के पहले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लें यहाँ से, और 13 के ही दूसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, तो इसको भी आप लोग याद कर लें। उसके बाद में देखिएगा 13 के तीसरे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको भी। और इसी के बाद में 14 प्रश्न नंबर का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें अच्छे से। 14 के बाद में देखो 14 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये लिखा है, और 15 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा गया है। तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको अच्छे से देख ले और याद कर ले पूरा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।